एपीआई सचिन वझे को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम देर रात मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। आपको बता दें कि यहां एनआईए की टीम ने सीन रिक्रिएट किया और सीसीटीवी फुटेज के साथ ही एविडेंस को पुख्ता करने के लिए वझे को प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर ले गई। यहां रेड टेपिंग कर सचिन वझे को चलाकर सीन रिक्रिएट किया गया ताकि सीसीटीवी एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। इस दौरान फोरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद रही। यहां पूरे प्रोसेस के बाद टीम सचिन वझे को गाड़ी में बिठाकर वापस निकल गई। यहां आपको यह भी बता दें कि एंटीलिया और मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच कर रही एनआईए को कई नए सबूत मिले हैं। ये सबूत सचिन वझे के वसूली कारोबार से जुड़े हैं। एनआईए के मुताबिक वसूली के कारोबार में पुलिस और प्रशासन के कुछ टॉप अफसर भी शामिल थे। वझे ने इन अफसरों को पेमेंट किया था और इस भुगतान के दस्तावेज एनआईए को मिले हैं। गिरगांव स्थित एक क्लब पर छापे के दौरान ये सबूत एनआईए के हाथ लगे। आपको यहां यह भी बता दें कि सचिन वझे की कस्टडी 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। स्पेशल कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिए हैं कि वझे को हर तरह की मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। स्पेशल कोर्ट ने जांच एजेंसी से यह भी कहा कि 7 अप्रैल को अगली पेशी के दौरान वह वझे के स्वास्थ्य और बीमारियों पर डिटेल में रिपोर्ट पेश करे। इससे पहले सचिन वझे के वकील रौनक नाइक ने अदालत को एक एप्लीकेशन लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा कि वझे को सीने में दर्द के साथ साथ हार्ट में 90% के 2 ब्लॉकेज हैं। ऐसी हालत में वझे को उनके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलवाया जाए ताकि उनका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।